सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मैदान पर चल रहे संस्कृति कप T20 टूर्नामेंट का फाइनल मैच रविवार को आतिफ क्रिकेट एकेडमी और रॉयल उद्यांस एकेडमी के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आतिफ क्रिकेट एकेडमी ने 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाए। 161 रनों का पीछा करने उतरी रॉयल उद्यांस एकेडमी की पूरी टीम 20 ओवर में 98 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। आतिश क्रिकेट एकेडमी ने फाइनल मैच स्कोर 62 रनों से जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। टूर्नामेंट के समापन समारोह के मुख्य अतिथि मंडलायुक्त अमित कुमार गुप्ता और महापौर सीताराम जायसवाल ने विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। समापन समारोह में छात्र छात्राओं ने मुख्य अतिथि का गीत गाकर स्वागत किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मंडलायुक्त अमित कुमार गुप्ता ने कहा, श्री अमित गुप्ता जी हैं जो 2000 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। अपने 18 वर्ष के अद्वितीय कार्य अवधि के दौरान श्री अमित गुप्ता जी 14 ने ऐसे लोग कम ही बनाए हैं जिन्हें ऐसा बनाया है आज जो हमारे बीच में आए हैं। इसी के साथ आज हमारे बीच में हमारे गौरव हेतु हमारे स्कूल के कुछ विद्यार्थियों को आमंत्रित करूंगा जो आप सभी का मनोरंजन करेंगे। इनके बोल हैं, सुर से सुर मिला के गाए मंगल गान। मेरी ओर से
विजेता टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, आयोजकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आगे भी क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करते रहे। वो विजेता टीम और जिन टीमों ने भाग लिया है और साथ ही विजेता टीम, उन सभी को आगे के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपने किसी खेल को अपनाया है तो उसमें लगातार यही प्रयास करें कि कैसे उसमें लगातार तरक्की करें, कैसे उसमें लगातार उन्नति करें। केवल एक स्थान पर आपका ठहर जाना अपने आप में ठीक नहीं होगा। जो भी महान खिलाड़ी बने हैं वो लगातार, चाहे कितने भी एक समय में कितने भी महान बन गए हों, लेकिन उसके बाद भी कभी वो रुकते नहीं और हमेशा ही प्रयास करते हैं कि कैसे अपने आप को पहले से और अच्छा बनाया जाए और बेटर बनाया जाए। तो सभी जो खिलाड़ी हैं सभी से मैं यही उनको कहना चाहूँगा कि जो खेल आपने लिया है उसमें लगातार यही प्रयास करें कि आपका प्रदर्शन पहले से और अच्छा होता जाए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद।